वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है पीआई मैनेजर सैलरी रिलेटेड है। इसमें एक एम्प्लॉई की सैलरी प्रोसेस होना बाकी रह गई। यहां पर एटो प्रोसेस बिल 1 जुलाई से शुरू हुए, लेकिन यहां पर एम्प्लॉई मिसमैच में चेक किया तो यहाँ पर ये एम्प्लॉई है जिसका यहाँ पर एरर मैसेज भी बता रहे हैं कि एम्प्लॉई नॉट वेरीफाइड, यानी कि एम्प्लॉई वेरीफाइड नहीं है। इसलिए सैलरी बिल कन्फर्मेशन में चेक किया तो यहाँ पर 9 हेड की सैलरी बन चुकी है। यहाँ पर 10 हेड में बिल बनते हैं, लेकिन 1 हेड में जो एम्प्लॉई है कि सैलरी यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहाँ से इसको चेक किया गया सैलरी रिपोर्ट। सैलरी रिपोर्ट में यहाँ पर मिसमैच एम्प्लॉई रिपोर्ट, तो यहाँ पर ये एम्प्लॉई एक मिसमैच बता रहा है। यहाँ पर इस हेड में इसकी सैलरी पेंडिंग है। अब पेंडिंग क्यों है? इसका कारण रहा है कि एम्प्लॉई नॉट वेरीफाइड, एम्प्लॉई की डिटेल्स वेरीफाइड नहीं है। अब इसका वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन अपन कैसे करेंगे? डीडीओ पे मैनेजर में ऑथराइजेशन टैब में वेरीफाई एम्प्लॉई डिटेल्स, इस ऑप्शन को अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर लास्ट में, सबसे अंतिम में, इस एम्प्लॉई का नाम है जिसकी सैलरी यहाँ पर प्रोसेस नहीं हुई है। तो इसको अपन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आगे चेकबॉक्स है, उसको टिक करेंगे तो ये एम्प्लॉई यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद में इसकी डिटेल वेरीफाई करनी है, तो डिटेल्स वेरीफाई में यहाँ पर सबसे पहले तो उस पर डिजिटल साइन होंगे डीडीओ के, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ये ओपन होगी। डिजिटल साइन भी यहाँ पर DSC डोंगल से होंगे। फाइल साइन सक्सेसफुली, यहाँ पर स्पष्ट मैसेज भी बता रहा है कि फाइल साइन सक्सेसफुली। साइन रिपोर्ट अपन को देखनी है कि डीडीओ के साइन हुए या नहीं हुए। तो अपन इसकी वीव चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वीव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको वीव जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पर सिग्नेचर फाइल ओपन करके अपन को चेक कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये एम्प्लॉई डिटेल्स पर डिजिटल सिग्नेचर हो गए, यहाँ पर स्पष्ट शो कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर। अब इसकी लास्ट प्रोसेस होगी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड किसको करना है? ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉई डाटा वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो यहाँ से ये एम्प्लॉई चला गया। यहाँ पर इस एम्प्लॉई की अपन ने डिटेल्स ही वेरीफाई की, हो सकता है उसका अकाउंट भी वेरिफिकेशन मांग सकता था, तो यहाँ पर एम्प्लॉई अकाउंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी था, लेकिन अपन ने एरर मैसेज इसका देखा था एम्प्लॉई मिसमैच रिपोर्ट में, तो उसका वेरिफिकेशन ही मांग रहा था, इसलिए अपन ने उसकी डिटेल्स को वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद में उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जैसे ही ट्रेजरी वेरीफिकेशन, तो ये एम्प्लॉई बिल कंफर्मेशन में ऑटोमेटिक बिल शो हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।